आइए भक्तो, आज हम सब मिलकर श्री शिव महापुराण की कथा सुनते हैं। श्री शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर महर्षि सूत जी का उन्हें श्री शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा का सुनाना। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, प्रभु मुझसे पुराणों की कथाओं के सारत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है, तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्राय आसुर स्वभाव के हो गए हैं, उस जीव समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या हैं? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो। पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो, तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतकरण की विशेष शुद्धि हो जाए, उससे निर्मल चित वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ शौनक जी, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है, इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार करके तुम्हें परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है, तुम उसे सुना करो। मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है श्री शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। गुरुदेव, श्री व्यास ने श्री सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रणयन का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्य के परम हित का साधन। यह श्री शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है, इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वड़मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और सुनना सर्व साधन स्वरूप है, इसमें शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है, इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण की पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभिष्ट साधन माना गया है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक सुनना भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह श्री शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है, इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति ज्ञान और वैराग्य से संपन्न होकर बड़े आदर से इसको सुने। 7 संहिताओं से युक्त यह श्री दिव्य शिव पुराण पार ब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस श्री शिव पुराण को वाचता अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, वह पुण्य आत्मा है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपने पद धाम प्राप्त कर देते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस श्री शिव पुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित होकर रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस श्री शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। वह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इस लोक और परलोक में भी सुख चाहता हो,
उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम श्री शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसको सुनना चाहिए और इसका पाठ करना चाहिए। अध्याय एक, श्री शिव पुराण के सुनने से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन कोई दूसरा नहीं है। यह बात आज हमने आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। श्री सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए, इस जगत को कृतार्थ कीजिए। श्री सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम, क्रोध आदि में निरंतर डूबने वाला है, वे भी इस पुराण के सुनने पढ़ने से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके सुनने मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। पहले की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यवृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मार कर उनका धन हड़प लिया करता था। परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। वह वेश्यागामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह देव योग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को बुखार आ गया। उस बुखार से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता श्री शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। बुखार में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस श्री शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह बुखार से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पाशों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही श्री शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए और उनके गौर अंगकार पूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भाषित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमका कर उन्होंने श्री देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया। अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को तैयार हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन के बाहर आए और उन्होंने रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उनकी पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब सदाशिव के हाथों में दे दिया। श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ हूँ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो गया है। अतः है भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधिनी दूसरी कथा को भी कहिए।
श्री शूत जी ने कहा, हे शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रण्य तथा वेद वेताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वाशकल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं, उनका मन दूषित विषयों भोगों में ही लगा रहता है। जो ना देवताओं पर विश्वास करते हैं न भाग्य पर, वे सब कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसनी करते हैं और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा सधर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है, इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। वहाँ के द्विज ऐसे हो गए हैं, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले, स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं, नित्य भोग विषयों में डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियाँ भी कुटिल स्वभाव की हो गई हैं, स्वेच्छाचारिणी, पाप सक्त, कुत्सित विचार करने वाली और वे भी चारिणी हैं। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का निवास है। उस वाशकल नामक ग्राम में किसी समय एक विदुंग नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती, तो उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यागामी हो गया। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस विदुंग के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म के भय से कलेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। इस तरह सदाचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ व्यतीत हो गया। तदंतर शूद्र जातीय वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण विदुंग समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्या पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। उधर वह उसकी दुराचारी पत्नी विदुंग के मर जाने पर मूढ़ हृदय चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाव बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग में उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतः मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई और वहां उसने एक देवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद यमलोक में जाती हैं। तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिग डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई, वह कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहां से बाहर चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में श्री शिव पुराण की कथा बाँचने वाले उस ब्राह्मण देवता से बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे ऊपर बड़ा दुराचार हुआ। स्वामिन, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत तथा प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है, मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा, और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा।
मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी? जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धर सकूंगी? नरक में जाकर जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं कैसे सहूंगी? हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया, मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रहती हूँ। आप ही मेरे गुरु, आप ही मेरी माता और आप ही मेरे पिता हैं। आपकी शरण में आई हुई मुझ दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए प्रभु। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा। अध्याय 2-3। चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा श्री शिव पुराण का सुनाना और समय अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचुला का माँ पार्वती जी की सखी बनना एवं सुखी होना। ब्राह्मण बोले, नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से श्री शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ, शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुम्हें भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा, जिसमें तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। श्री शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप से ही पाप का नाश करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित का उपदेश किया है। वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है, पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्राय उत्तम गति प्राप्त नहीं होती। परंतु जिसने अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अत्यंत उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। इस श्री शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त बुद्धि होती है, वैसी दूसरे उपायों में नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार श्री शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में माँ जगदम्बा, माँ पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री श्याम सदा शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। इस उत्तम कथा का सुनना समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है, अतः यथोचित मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। भवबंधनी रूपनी रोग का नाश करने वाली भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उनका मनन एवं निंद्यासन करना चाहिए। इससे पूर्णतः चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित माया के बंधन से आसक्त है, वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि हो गई है, इसलिए तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है, यह मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए।
उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया तथा वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तदंतर विदुंग की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली, चंचुला ने कहा, ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस समुद्र श्री शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी इस श्री शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस श्री शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर वहां रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देव ने उसी स्थान पर उस स्त्री को श्री शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उसने श्री शिव पुराण की परम उत्तम कथा सुनी जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में श्री शिव के सद्गुण का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा। उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल श्री शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए। वह दिव्य रूपिणी दिव्यांगना हो गई थी। उनके दिव्य अवयव उनकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक अर्धचंद्राकार का मुकुट धारण किए वह गौरंगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। तभी मुख्य मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। पांच मुख और प्रत्येक मुख में तीन तीन नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग भाग में माँ गौरी देवी को बिठा रखा था जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भसित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उत्तम उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उनके नेत्रों में आनंद अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय माँ भगवती, पार्वती और भगवान शंकर ने उनसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उनकी ओर देखा।
माँ पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारणी विदुंग प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस समय परमानंद ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविरल निवास पाकर दिव्य शोक से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। अध्याय 4। चंचुला के प्रयत्न से माँ पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बरु का विंध्या पर्वत पर श्री शिव पुराण की कथा सुनाकर विदुंग का पिशाच योनि से उद्धार करना, उन दोनों दंपत्ति का शिवधाम में सुखी होना। श्री शूत जी बोले, हे शौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरिजा नंदिनी स्कंद माता, मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्म रूपिणी हैं। श्री विष्णु और श्री ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं तथा आप ही सूक्ष्मा सच्चिदानंद स्वरूपिणी आधा प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप हैं। श्री ब्रह्मा और भगवान विष्णु महेश्वर इन तीनों देवताओं का आवास स्थान, उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक, जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुपचाप खड़ी हो गई। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला माँ पार्वती ने चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। माँ पार्वती बोली, सखी चंचुले, सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या और मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अधेय नहीं है। चंचुला बोली, निष्पाप गिरी राजकुमारी, मेरे पति विदुंग इस समय कहाँ हैं? उनकी गति कैसे हुई यह मैं नहीं जानती। कल्याणमय दीन वत्सले, मैं अपने उन पतिदेव से किस प्रकार संयुक्त हो सकूं, वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वरी महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वेश्य के प्रति आसक्त थे और पाप में डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी, न जाने किस गति को प्राप्त हुए। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा विदुंग नाम वाला पति बड़ा पापी था। उनका अंतकरण बड़ा ही दूषित था। वेश्य का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अनगिनत वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्या पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। इस समय वह पिशाच अवस्था में है और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है वह शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। माँ पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति यदि श्री शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा को सुने तो उसकी सारी दुर्गति पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। अपने पति के समस्त पापों को शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए माँ पार्वती से यह प्रार्थना की, मेरे पति को श्री शिव पुराण की कथा सुनने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर
शिवप्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आ गई। उन भक्तवत्सला महादेवी गिरिजा कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्बुरु तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है, तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्य को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें यह बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्या पर्वत पर जाओ, वहाँ एक महाघोर भयंकर पिशाच रहता है, उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच विदुंग नामक ब्राह्मण था, मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया, स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी, वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अभ्यभक्षण, स्वजनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराए घरों में आग लगा देता था। चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्य के संपर्क में रहता था। वह बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मनाता रहा। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अनंत काल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्टात्मा जीव इस समय विंध्या पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक श्री शिव पुराण उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। श्री शिव पुराण की कथा का सुनना सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा। वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर विदुंग नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले जाओ। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बुरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बुरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहां वह पिशाच रहता था। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर बड़ा विशाल, थोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बुरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पाशों द्वारा बांध लिया। तदंतर तुम्बुरु ने श्री शिव पुराण की कथा बाँचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों से बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से श्री शिव पुराण की उत्तम कथा सुनने के लिए तुम्बुरु विंध्या पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देव ऋषि शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। आदर पूर्वक श्री शिव पुराण की कथा सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बुरु ने उस पिशाच को पाशों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरी पार्वती की कथा का गान आरंभ किया। पहली अर्थात विद्येश्वर संहिता से लेकर सातवीं वायु संहिता तक महत्व सहित श्री शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित श्री शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय श्री शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उनका दिव्य रूप हो गया। अंग कांति गौर वर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित
आभूषण उनके अंगों को उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान विदुंग अपनी प्राण वल्लभा चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख वे सभी देवऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ होकर प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान विदुंग भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के साथ बैठकर प्रेम पूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बुरु के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा माँ पार्वती ने प्रसन्नता पूर्वक विदुंग का बड़ा सत्कार किया, उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला माँ पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविरल निवास पाकर वे दोनों दंपत्ति परम सुखी हो गए। अध्याय 5 श्री शिव पुराण के सुनने की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। श्री शौनक जी कहते हैं, महाप्राज्ञ व्यास शिष्य श्री सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्याणमय श्री शिव पुराण के सुनने की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। श्री सूत जी ने कहा, मुने अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए श्री शिव पुराण के सुनने की विधि बता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मन से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुभ मुहूर्त का अनुसंधान कराएं और प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर वह संदेश भेजें, हमारे यहाँ श्री शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन और सुनने के लिए उत्सुक हों, उन सबको आदर पूर्वक बुलवाना चाहिए। आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में श्री शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार करवाएं, उसे सब ओर से फल पुष्प आदि से तथा सुंदर चदोवे से अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दें। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए, वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए। कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उसके लिए सुखद हो सके। मुने नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखने चाहिए। जिनके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है, उस पुराण वेता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं रखनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। पुराण वेता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान एवं पुण्यमय कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 प्रहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को श्री शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से बांधनी चाहिए। मध्यकाल में
दो घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मल मूत्र का त्याग कर सकें। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षोर करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल का सारा नित्य कर्म संक्षेप में ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए, वह भी सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः श्री शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित हो आदर पूर्वक श्री शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हों, काम आदि छह विकारों से युक्त हों, स्त्री में आसक्ति रखते हों और पाखंड पूर्ण बातें कहते हों, वे पुण्य के भागे नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन ग्रह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति भाव से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन पवित्र एवं उद्वेग शून्य होते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। श्री सूत जी बोले, हे शौनक, अब श्री शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने के बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित हैं, उनका कथा सुनने में अधिकार नहीं है, अतः है कथा सुनने की इच्छा रखने वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने उनको ब्रह्मचर्या से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम श्री शिव पुराण को सुने। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार हविष्यान्न भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा सुनने का नियम सुखपूर्वक सद सके वैसे ही करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न दाल जला अन्न सेम मसूर भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथाव्रती पुरुष कभी कथा को न सुने। जिससे कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज लहसुन हींग गाजर मादक वस्तु तथा अमिष कहीं जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम क्रोध आदि छह विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा को तथा पतिव्रता और साधु संतों को निंदा को भी त्याग दे। कथाव्रती पुरुष प्रतिदिन सत्य सोच दया मौन सरलता विनय तथा हार्दिक उदारता इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभीष्ट कामना को प्राप्त कर सकता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र क्षय का रोग पापी भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काक बाध्य आदि जो सात प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं वे तथा जिनका गर्भ गिर जाता हो इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। मुने स्त्री हो या पुरुष सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से श्री शिव पुराण की यह उत्तम कथा सुननी चाहिए। महर्षि इस तरह श्री शिव पुराण की कथा के पाठ एवं सुनने संबंधी यज्ञोसत्व की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक वक्ता की भी पूजा करना आवश्यक है। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनवावे, उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य डोरी लगावे, फिर उनका विधिवत पूजन करे। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसी के अनुसार धन आदि के द्वारा उससे कुछ ही कम सत्कार करे। वहाँ आए हुए ब्राह्मणों को अन्न धन आदि का दान करें, साथ ही गीत वाद्य नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव रचाएं।
मुने, यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ, जिसे रामचंद्र जी के प्रति भगवान, यदि श्रोता गृहस्थ हो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष्य के द्वारा होम करना चाहिए। मुने, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना उचित है अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्री में ही है, अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय हविष्य का ब्राह्मण को दान करे, न्यूनता रिक्त रूप दोष की भक्ति पूर्वक शिव सहस्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करे। इससे सब कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में सबसे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा दें। मुने, यदि शक्ति हो तो 3-3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाएं, उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखाई हुई श्री शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें। तत्पश्चात पुरुष उनकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ाएं, फिर जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक, हे शौनक, इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भवबंधन से मुक्त हो जाता है। इस विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न श्री शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता है। मुने, श्री शिव पुराण वह सारा महत्व जो संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है, मैंने तुम्हें कह सुनाया, और अब क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान, श्री शिव पुराण समस्त पुराणों के भाल का तिलक माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय रमणीय तथा भाव रोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर भासमान है, तथा उनके मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप से प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद घन रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। अध्याय 6-7 श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता। प्रयाग में श्री सूत जी से मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न, जो आदि और अंत में नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कभी भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता हैं, जिनके 5 मुख हैं, और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना पालन और संघार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर को मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। श्री व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि श्री सूत जी वहां मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। श्री सूत जी को आते देख वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्नचित्त मन से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, सर्वज्ञ विद्वान रोम हर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने श्री व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की है, इसलिए आप आश्चर्य रूप कथाओं के भंडार हैं।
ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है, तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है वह अपने आप से अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार गए हैं और इसी व्यास से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। पहले भी हमने आपसे शुभाशुभ तत्व का पूर्ण पूर्ण वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती, हमें उसे सुनने की इच्छा बारंबार होती है। उत्तम बुद्धि वाले श्री सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त हो जाएगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्राहक के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्राय दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्योपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य हो जाएंगे।